हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो गाइस, मैं बीमार चल रहा था और मेरा भाई में से मिलने आया और बोलता चलते को बाहर तो थोड़ा घुमा देता हूँ। तो प्लान बना थोड़ा पहाड़ पर चलने का, पहाड़ देखते हैं, चलो लेट्स गो। बाकी मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ, अब बाद में उनको फ़ोन करके बता दूंगा कि मैं इसके साथ बाहर गया हूँ। बोलता चल और घर वालों को बता रहा है, बाद में बता देंगे। इसने ही बोला है मुझे, इसने घर आ चुका हूँ। ये कुत्ता ना सबके पीछे लगता है यहाँ पे, ये अलग कुत्ता। अखिल भाई, तेरे जैसे भाई का ये भी येल्लो और ये भी येल्लो। हम भी किसी टाइम पे जिम जाया करते थे, ये भी जिम ही जा रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं ना फुल पैक होके आया हूँ क्योंकि ठंडी भी लग रही है। एक तो पहले से लीवर खराब हो चुका है और वैसे भी ठंड लगती है। टोपी नहीं लगाऊंगा तो सर भी खराब हो जाएगा मेरा। बाकी अच्छे आराम से चला यार, डर लग रहा है थोड़ा, अभी मैं अच्छे से रिकवर नहीं हुआ। ठंड का मौसम चल रहा है हमारे इलाके में। जिस एरिया में अभी हम है ना, इसमें देखो सूखी नहर बोलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे नहर ना दिख रही, ना कुछ दिख रहा है। पता नहीं क्यों इसका नाम सूखी नहर डाला है। बोल रहे हैं कि पहाड़ों पर ले जाएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ भी ले रहा है। कभी मैं इस एरिया में आया ही नहीं हूँ। तो वही तो होता है, कहीं किन्नार विन्नार नहीं करा देता फिर मैं यहाँ पहले ही चल गया। मैंने कहा ये मुझे बोल रहा है, जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वहाँ पे शेर भी होते हैं। पता नहीं अब सच बात है नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। इसने कुत्ता देखा होगा, कुत्ते को शेर बोल रहा है मेरे ख्याल से। बस अंधेरान से पहले घर पहुंचा देना, क्योंकि जंगल वाला इलाका है। ऊपर से यहाँ पे कब्रिस्तान भी था पीछे, पता नहीं यार क्या कराया या कहाँ पहुंचा दिया इसने मुझे। और देख सकते हैं पीछे बढ़िया भाई। मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, रात को आएगा यहाँ पे 12 बजे, मैं तो नहीं आ पाऊंगा यार। पहले यहाँ पे हम रुके हुए हैं यहाँ पे पहाड़ देखने के लिए। क्या बढ़िया से प्यार, वहाँ पे एक गाड़ी भी रुकी है, पता नहीं क्या हो रहा होगा उस गाड़ी में, छोड़ो उसको। बाकी ये देखो, ये मेरा दोस्त है, इसकी बाइक पे हम आए हुए हैं। भाई डांस करना थोड़ा सा। ऑटो वाला कहाँ पे? अच्छा वो यहाँ पे रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए, रुकते हैं यहाँ पे खाने के लिए। खाने के लिए कुछ ना, खाने के लिए अच्छा मैं तो नहीं खा सकता क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूँ। इतना प्यार भाई से है। बाकी इसने अपने लिए कुछ लाया हुआ है, कुछ जड़ी बूटी, अभी वो जड़ी बूटी खाएगा ये। बाकी फिर बाइक मैं चलाऊंगा इसके बाद, ठीक है? रास्ता पता आगे? रास्ता यार सीधे सीधे जाना चाहिए, अभी और आगे जाना है, ठीक है गाइस? और आगे चलेंगे तो यहाँ पे प्लॉट ही बने हुए हैं। ये यहाँ बड़ी सस्ती जमीन है, ले लिया कर लेनी है जमीन, क्या करना है जंगलों में यार। यहाँ पे मेरे को अभी आने के डर लग रहा है। 4 लाख ज्यादा की जमीन होगी नहीं यहाँ, मैं इसे गारंटी लगा सकता हूँ। गाड़ी क्यों रुकी है यहाँ पे? अरे लोग जाते बोल रहा हूँ कि रहने आगे नहीं जाते हैं, बोलता आगे जाना, आगे जाना है। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, बाइक भी इसकी सब कुछ इसका, अब चलना ही पड़ेगा इसके साथ। नहीं तो यहाँ पे छोड़ देगा इन जंगलों में। मैं तो क्या कर दिया है और हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है, ऊपर से ये इलाका हमारे जान पहचान का भी नहीं है, तो बेहतर है कि हम जल्दी घर चले जाएं। बाकी और कभी आएंगे अच्छे से, जब ठीक हो जाऊंगा, खाना वाना साथ में लेके आएंगे, इंजॉय करेंगे फुल यहाँ पे। फिलहाल के इतना ही गाइस, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।